तो कैसे हो सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल लाइट से टीडीएम वेयर हाउस के रिमूव होने के बारे में। अब मैं जानता हूँ कि ये बात सुनते ही बहुत से लोगों का सर चकरा गया होगा, पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले आप समझ लीजिए कि पूरा मैटर क्या है। पूरा मैटर समझने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो आप लोगों को लाइक करना है, लाइक किए बिना नहीं जाना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आप लोगों को पबजी मोबाइल लाइट के हर अपडेट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोगों को सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे आप लोगों को पबजी मोबाइल लाइट के हर अपडेट का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, वो भी सबसे पहले। तो अब चलिए वीडियो को शुरू। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पबजी मोबाइल लाइट को इंडिया में क्यों रिलीज़ किया गया। पबजी मोबाइल लाइट को इंडिया में इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि जो हमारा पबजी मोबाइल है वो 1 GB और 2 GB रैम के डिवाइसेस में वर्क नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं चलता था, जिससे कि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और वो चाहती थी कि पबजी मोबाइल 1 GB और 2 GB रैम के डिवाइसेस में भी चले। इसको कि देखते हुए टेंसेंट ने ये डिसाइड किया कि पबजी मोबाइल का ही एक छोटा वर्जन, मतलब लाइट वर्जन लॉन्च किया जाए, जो कि 1 GB और 2 GB रैम के डिवाइसेस में बिना किसी लैग के चले। और उसी को देखते हुए पबजी मोबाइल लाइट लॉन्च हुआ। जब पबजी मोबाइल लाइट लॉन्च हुआ तो ये सिर्फ 250 MB का था, और सिर्फ इसमें आप लोग क्लासिक मोड में खेल सकते थे, और ग्राफिक्स इसका बहुत ही ज़्यादा भद्दा था। आप लोग इसका गेम प्ले भी देख सकते हो, तो इसका ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा भद्दा था, लेकिन अभी इसका ग्राफिक्स अगर आप देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स कर दिया गया है पहले के मुकाबले। तो अब मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। जब हमारा पबजी मोबाइल लाइट 200 MB का था तो उसमें धीरे धीरे अपडेट लाए गए, जो कि पब्लिक के डिमांड से पब्लिक फीडबैक देने लगी कि और ज़्यादा अच्छा करो, ग्राफिक्स अच्छा करो, ये मोड ऐड करो, वो मोड ऐड करो। तो ये सब बोलते बोलते फिर टेंसेंट कंपनी जो है वो फीडबैक का बहुत ही जल्दी सुनती है, इसलिए इसमें बहुत सारे चीज़ ऐड किए गए। और अगर अभी आप देखें तो हमारा इसमें टीडीएम वेयर हाउस है, और साथ ही साथ RPG वार मोड, वार मोड, और फिर 2 मैप है, और 2 मैप के साथ साथ फिर हमारा ग्राफिक्स भी अच्छा कर दिया गया है, और सेटिंग्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो अभी हमारा पबजी मोबाइल लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, और पहले हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था अभी के मुकाबले। लेकिन अभी हमारा जो पबजी मोबाइल लाइट है उसे खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बिना किसी लैग के चलता है। लेकिन जो हमारा 1 GB रैम है उसमें बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, मतलब चलता ही नहीं है 1 GB रैम में। मैं अपने फ़ोन के 1 GB रैम में चलाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अटक अटक के चलता है, और 1 GB रैम के अगर हम 2 GB रैम में भी चलाते हैं और उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म गेम चलेगा आपका, बिल्कुल खेलने का मन नहीं करेगा आपका, इतना ज़्यादा लैग करेगा गेम। और अब आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमारा न्यू ईयर अपडेट भी आने वाला है, जिसमें कि और भी नई चीज़ें ऐड होंगी, तो और नई चीज़ें ऐड होंगी तो और भी ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा, आप लोगों को मालूम ही है। तो साइज़ जब बढ़ेगा तो ये 1 GB और 2 GB रैम के डिवाइसेस में अब तो चलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ लैग हो रहा है। अगर और साइज़ बढ़ा तो चलना ही बंद हो जाएगा, और उसके बाद जब 1 GB और 2 GB रैम में नहीं चलेगा तो फिर 1 GB और 2 GB रैम वाले फिर से नाराज़ हो जाएंगे, और फिर वो नहीं खेल पाए तो वो उनका एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो भी, उनके पास 1 GB और 2 GB रैम का डिवाइस होगा बहुत लोगों के पास। मेरे भी पास 1 GB और 2 GB रैम का डिवाइस है, दोनों डिवाइस है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा अभी लैग होकर पबजी मोबाइल लाइट चलता है। तो पबजी मोबाइल लाइट लैग होकर ना चले और 1 GB और 2 GB रैम में बंद ना हो जाए, इसके लिए टेंसेंट जो कंपनी है वो एक मोड को रिमूव कर रही है पबजी मोबाइल लाइट से। अब वो TDM मोड नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं अभी, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो गई कि वो TDM मोड नहीं है, वो है RPG वार मोड। तो RPG वार मोड को रिमूव किया जाएगा अभी, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक वेबसाइट में पढ़ा कि एक मोड रिमूव होने वाला है, और वो कौन सा मोड है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से वो RPG मोड होगा। TDM वेयर हाउस बिल्कुल भी रिमूव नहीं होने वाला है, आप लोगों को ये टेंशन छोड़ देना है। तो ये इस वीडियो में 2 सवाल क्लियर हो गए कि हम, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा था कि हमारा कभी भी क्या पबजी मोबाइल लाइट से TDM वेयर हाउस को रिमूव किया जाएगा, जैसे जॉम्बी मोड को रिमूव किया गया, तो हमारा पबजी मोबाइल लाइट से TDM वेयर हाउस को कभी भी नहीं हटाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बात हो सकती है, जैसे अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करते हो कि अभी भी हमारा बहुत सारा डिमांड है कि फ्लेयर गन ले आओ, मीरामार मैप ले आओ, तो आप लोगों को भी थोड़ा सोच समझ के डिमांड करना पड़ेगा कि छोटे चीज़ों का डिमांड करें। जैसे कि अगर आप फ्लेयर गन का डिमांड करते हो तो फ्लेयर गन तो आ सकता है, वो तो बिल्कुल छोटे अपडेट में आ जाएगा, लेकिन अगर आप मीरामार मैप का डिमांड करते हो तो आप सभी लोग जानते हो कि मीरामार मैप कितना बड़ा साइज़ है मीरामार मैप का, तो मीरामार मैप को छोटा करके तो लाया जा सकता है, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप डिमांड करते हो और वो मुमकिन नहीं है कि पबजी मोबाइल लाइट में एडजस्ट हो जाए, अगर वो पबजी मोबाइल लाइट में आती है तो इसका साइज़ बिल्कुल बढ़ जाएगा।
तो आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के डिमांड करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डिमांड करते रहे कि हम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब मुझे पबजी मोबाइल लाइट में बिल्कुल विगंडी मैप मीरामार मैप सब कुछ चाहिए जैसा पबजी मोबाइल में है, तो वो इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग ऐसे ही डिमांड करते रहोगे तो जैसे हमारा अभी आरपीजी मोड हट रहा है, वैसे ही हमारा एक दिन टीडीएम वेयर हाउस को भी मजबूरन हटाना पड़ेगा पबजी मोबाइल लाइट से, क्योंकि सिर्फ हम लोगों के फीडबैक की वजह से। हम लोगों को फीडबैक सबसे ज्यादा टेंसेंट गेम सुनता है, टेंसेंट गेम्स फीडबैक से ही जो भी अपडेट लाते हैं। अगर आप लोग उन्हें जो भी फीडबैक दोगे, आप देख सकते हो जैसे कि हमारे टीडीएम वेयर हाउस का बहुत ही ज्यादा डिमांड था, सब फीडबैक कर रहे थे कि हमें टीडीएम वेयर हाउस चाहिए पबजी मोबाइल लाइट में, तो टीडीएम वेयर हाउस आ गया है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बड़े बड़े साइज के डिमांड करते रहोगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये फिर नहीं आ पाएगा पबजी मोबाइल लाइट में, और हमें मजबूरन टेंसेंट गेम मतलब टेंसेंट जो कंपनी है उन्हें मजबूरन टीडीएम वेयर हाउस को भी रिमूव किया जाएगा और नई चीज को ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को थोड़ा डिमांड करना है, लेकिन सोच समझ के डिमांड करना है कि कम साइज का हम भी डिमांड करें। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं बहुत सारे गेम्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बस बता दो, किसी भी गेम के ऊपर चाहिए या फिर पीसी के किसी भी गेम के ऊपर चाहिए तो बस कमेंट में बता दो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये जो मैंने आप लोगों को न्यूज़ बताई एक मोड रिमूव होने के बारे में कि न्यू ईयर के अपडेट में हमारा एक मोड रिमूव होगा, वो न्यूज़ मुझे एक वेबसाइट से मिली थी, और उस वेबसाइट का नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, और उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई थी कि हमारा न्यू अपडेट में क्या आने वाला है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये वेबसाइट फेक है कि रियल है, लेकिन इसमें बहुत जितनी भी नई चीज़ें आने वाली है न्यू ईयर के अपडेट में वो सभी चीज़ें लिखी गई थी। तो अगर आप लोगों को वो पूरा देखना है कि क्या क्या एकदम उसमें लिखा हुआ था, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि उसमें क्या क्या नया लिखा मतलब क्या क्या लिखा हुआ था कि क्या क्या हमारा न्यू ईयर का अपडेट में आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।